हेलो दोस्तों, आप सभी को एक और में स्वागत है। मैं हूं आपको श्रमी जरा आप देख रहे हैं मोबाइल गेमिंग चैनल। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ घंटे को भी जरूर दबाएं। तो जल्दी से 50K करना है गाइस, तो फटाफट सब्सक्राइब करें। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप इधर देखते हो एक टाइगर कोच पोलो कॉल बस मोड है और इस बस मोड को फायर आइस गेमिंग ने बनाया है और इसका डाउनलोड लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप उधर जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हो। और डोर ओपनिंग वजह से दोनों डोर ओपन होते हैं और साथ साथ स्टेयर केस का लाइटिंग सिस्टम ऑन होता है जो कि और भी बढ़िया है गाइस, जो कि रात के समय में देखने में बहुत ही बढ़िया लगता है। अब दिन के समय में उतना क्लियरली आपको देखने को नहीं मिलेगा और इस मोड में आपको 3 तरह के एनिमेशन देखने को मिलेगा। तो पहली बार एनिमेशन से सारे विंडोज ओपन होती है और साथ साथ ऊपर का एयर इनटेक ओपन होता है जो कि उस तरह का है गाइस। और दूसरा एनिमेशन से सामने का इंजन कंपार्टमेंट ओपन होता है, मतलब सामने का बोनेट ओपन होता है जो कि कुछ इस तरह का है, और उसके अंदर आपको अशोक लेलैंड लिखा हुआ देखने को मिलेगा। और तीसरे वाले एनिमेशन से डेस्टिनेशन बोर्ड चेंज होती है, तो आप देख सकते हो इस कुछ इस तरह का आपको एनिमेशन की देखने को मिलेगा। और एक प्राइवेट बस मोड है गाइस और बहुत ही बढ़िया मोड है गाइस, इसमें आपको ड्राइवर भी देखने को मिलता है जो कि अच्छी बात है। और आपको सामने की ओर 2 वाइपर देखने को मिलेगा जो कि नीचे की ओर दिया है। और इसका इंटीरियर तो बढ़िया है गाइस और आपको इसमें इल्यूमिनेशन तो देखने को मिलता है, लेकिन आपको कोई भी इंडिकेशन या स्पीडोमीटर में डायल देखने को नहीं मिलता। अगर डायल होता तो और मज़ा आता, लेकिन कोई बात नहीं गाइस। और आपको इंटीरियर में मैप देखने को मिलता है जो कि अच्छी बात है। तो मोड का ड्राइविंग एंगल सभी बढ़िया है गाइस, सस्पेंशन, स्टेबिलिटी, ब्रेकिंग और ग्राउंड क्लियरेंस भी अच्छा है और स्टीयरिंग फीडबैक भी बढ़िया है गाइस और टर्निंग रेडियस भी अच्छा है। तो ओवरऑल आपको ये मोड चलाने में मज़ा आएगा और बहुत ही बढ़िया मोड है गाइस। और इस मोड में सभी फंक्शन वर्क करते हैं जो कि अच्छी बात है, अगर पैसेंजर होते तो और मज़ा आता। तो ओवरऑल बहुत ही बढ़िया मोड है गाइस। तो नीचे कमेंट करें कि आपको ये मोड कैसा लगा, तो मुझे तो बहुत ही बढ़िया लगा। तो कल मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने एक क्लासिक DMR का रिव्यू किया है, अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा हो तो उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप उधर जाकर उस वीडियो को भी देख सकते हो। तो ओवरऑल ये मोड बहुत ही बढ़िया है गाइस, इसका इंटीरियर एक्सटीरियर भी बढ़िया है और आपको इंटीरियर में लाइट सिस्टम भी देखने को मिलता है जो कि अच्छी बात है। तो ओवरऑल बहुत ही बढ़िया मोड है गाइस, सिर्फ 2 ही कमी है, अगर स्पीडोमीटर में डायल होता तो और मज़ा आता और अगर पैसेंजर होते तो और भी बढ़िया आता, लेकिन कोई बात नहीं। तो ओवरऑल आपको ये मोड चलाने में तो बहुत मज़ा आएगा और अगर आपके पास कोई भी मॉडिटेड इश्यूज हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी पूछ सकते हो। तो मैं आशा करता हूँ कि आप वीडियो पसंद आई होगी, अगर आप वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे इंस्टाग्राम पर भी जरूर फॉलो करें। तो आज के लिए इतना ही था, मैं आपसे अगले मुलाकात करूँगा, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पीस आउट।